मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर, एक सोल्जर, एक एथलीट, एक बॉक्सर, एक स्विमर। और स्टोरी के प्लॉट में इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता तुम लोगों को फिलहाल के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ना ही इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि बाकी की चीजें तुम्हें इस मूवी के थ्रू ही पता चले। सो हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं देखकर आ रहा हूँ चंदू चैंपियन मूवी। इस मूवी का रन टाइम है प्रॉपर 2.5 घंटे का और जॉनरा है बायोपिक फील गुड ड्रामा। तो ये बायोपिक बेस्ड है पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर जी की लाइफ पर। और सच बता रहा हूँ, मुझे आज सुबह से पहले इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैंने इस चीज को सरप्राइज ही रहने दिया। मेरे दिमाग में यही था कि पहले मैं मूवी देखकर आऊंगा और फिर बाकी के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ूंगा कि भाई मूवी में जितना दिखाया है वो अच्छा दिखाया है या बुरा दिखाया है। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको कुछ नहीं पता या फिर बहुत कम पता है तो फिर आगे कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह फिलहाल के लिए मत पढ़ना और अपनी टिकट्स बुक करवा लो और फिर ये मूवी देखकर आओ, और जो भी पढ़ना है वो बाद में पढ़ते रहना। और यहां पर हुई स्टोरी प्लॉट की बात, अब बात करते हैं कि स्टोरी में क्या चीज अच्छी थी और क्या चीज बुरी थी। तो देखो, अब स्टोरी बहुत ही कंपेलिंग तरीके से लिखी हुई है और इस पॉइंट पे मुझे एक कहावत भी याद आती है कि जिस रूम में या फिर जिस जगह पर अगर आपकी इज्जत ना हो तो वो रूम छोड़ देना चाहिए। बट ये मूवी वो एक्सेप्शनल कहानी है जहां पर अगर आपकी किसी रूम या फिर जगह पर इज्जत ना हो रही हो तो उस जगह या फिर रूम को आप अंदर से लॉक कर लो और फिर वहां पर रहे सारे लोगों को ये प्रूफ करके दिखाओ कि उन लोगों को आपकी इज्जत क्यों करनी चाहिए। ओवरऑल इस पूरी स्टोरी का सिर्फ एक ही बेस है, हार कभी मत मानो। और इसी के चलते इस मूवी में बहुत सारी सिचुएशंस बनाई गई हैं जहां पर आपको गुस्सा आएगा, आपको निराशा होगी, आपको दुख फील होगा, आपको हंसी आएगी, आपको खुशी होगी और मूवी के एंड में आपको एक बहुत बढ़िया सा लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा। तो इस मामले में इस स्टोरी को मेरी साइड से थम्स अप। एंगेजमेंट रेट इस मूवी का वाज अराउंड 200%। अब वो समझाता हूँ कैसे। इस मूवी में एक जगह पर एक इंजरी वाला सीन है और उस एक सेकंड के सीन को इतना शानदार तरीके से फिल्माया गया कि हम थिएटर में जो 8-9 लोग बैठे हुए थे, हम सब लोगों के मुंह से एक साथ आवाज आई और उस मोमेंट के बाद आपकी हार्ट बीट्स इतनी तेज हो जाएंगी। मतलब इस लेवल का ट्रॉमा क्रिएट किया इन लोगों ने एक सेकंड के लिए। बाकी इमोशनल वैल्यूज के हिसाब से ये मूवी कहीं पर भी लैक नहीं करती। अब जहां पर ये मूवी लैक करती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला पॉइंट। अब देखो, सिंपल सिंपल बात ये है कि कबीर खान को फील गुड मूवीज बनाना बहुत पसंद है और इसी के चक्कर में वो कभी भी किसी भी कैरेक्टर के दिमाग के अंदर डीप डाइव नहीं करते। ये सारी चीजें इनकी पिछली मूवीज में भी हो रखी है, जैसे बजरंगी भाईजान, और ये वाली चीज इन्होंने इस मूवी में भी करी है जहां पर तुमको मूवी के सीन्स तो याद रहेंगे बट तुमको वो कैरेक्टर कभी याद नहीं रहेगा। जैसे कि आज तक भी हमको बजरंगी भाईजान मूवी के बहुत सारे सीन्स याद हैं बट कभी कोई अगर उठ के ऐसा पूछेगा कि बजरंगी भाईजान एग्जैक्टली है कौन, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, किसी को नहीं पता। बस इतना सा है कि वो एक मूवी में लीड रोल में था एंड दैट्स इट। और वो चीज यहाँ पर भी हुई है बट एक्टिंग वाइज, ओके लेट मी मेक अ बिग स्टेटमेंट हियर, ये मूवी कार्तिक आर्यन की लाइफ की अभी तक की दी बेस्ट मूवी थी और इनसे भी बढ़कर विजय राज सर की। देखो, मैंने मैदान वाले रिव्यू में कहा था कि वो शाहरुख खान वाली जो स्पीच थी ना, वो मैदान वाले रिव्यू में कहीं देखने को नहीं मिली। बाकी दैट मूवी वॉज फैंटास्टिक बट इस मूवी में जो विजय राज सर ने जो एक स्पीच दी है, अगर शाहरुख खान की स्पीच यहाँ पर थी तो विजय राज सर की यहाँ पर एटलीस्ट टच होती है इस लेवल तक। दैट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग। और वो सीन देखने के बाद ना तुम बस ऐसे चल पड़ोगे अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करने के लिए। फाइनली बात यहाँ पर आती है कि ये मूवी आपको थिएटर में जाकर क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि बजरंगी भाईजान हम सबको पसंद आई थी तो वो सेम इमोशनल वैल्यूज, वो सेम फील गुड ड्रामा आपको इस मूवी में भी देखने को मिलता है। बस कहीं अगर आपको कमी लगती है तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले इशूज है बट वो एक एवरेज व्यूअर के लिए कभी कोई मुद्दा था ही नहीं, उनके बस पैसे वसूल होने चाहिए। तो ये मूवी उससे कहीं बढ़कर है और मैं तो खैर स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये मूवी देखने जाते हो तो अपनी फैमिली के साथ देखकर आना, आपको बहुत मजा आएगा। और इस मूवी में कोई गालियां, कोई सेक्स सीन्स और न्यूड सीन्स नहीं है। और ये था मेरा रिव्यू चंदू चैंपियन मूवी का। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।